दिस इफेक्ट रिक्वायर GPU एक्सेलरेशन। दोस्तों अगर आपके पास भी इस प्रकार का इरर आता है तो दोस्तों वीडियो में बने रहें, आपको इसका सॉल्यूशन इसी वीडियो में मिलने वाला है। हेलो दोस्तों, आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है आपके इस टेक्निकल चैनल में जिसका नाम है टेक्नो राही। दोस्तों इस प्रकार के जो इरर आते हैं वो कूडा नाम के सॉफ्टवेयर के ना होने की वजह से आते हैं। तो दोस्तों आपको सबसे पहले कूडा एनवीडिया का एक सॉफ्टवेयर है वो डाउनलोड करना है। आपको एनवीडिया के ऑफिशियल वेबसाइट में जाना है। वहाँ पे जाने के बाद दोस्तों यहाँ पे एक ऑप्शन है डेवलपर में, आपको कूडा में क्लिक करना है। तो दोस्तों यहाँ पे कूडा में आपने जब क्लिक किया तो यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन आएगा, यहाँ पे आपको क्लिक करना है और आपको नीचे यहाँ पे कूडा टूल किट को सिंपली डाउनलोड करना है। यहाँ पे दोस्तों ये 3 वर्ज़न के लिए है, विंडो, लिनक्स और मैक के लिए। यहाँ पे दोस्तों आपको सिंपली विंडो में क्लिक करना है और 64 बाइट तो सबका होता ही है, और यहाँ पे आपको विंडो 10 वाला वर्ज़न आपको दोस्तों सिंपली यहाँ से क्लिक करके डाउनलोड कर देना है। ये करीब 19 MB का दोस्तों होगा, छोटा सा ये एप्लीकेशन है लेकिन इसके अंदर इंस्टॉलेशन में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है। यहाँ पे दोस्तों हम इसको डायरेक्टली ओपन करते हैं, इसको यहाँ पे दोस्तों ओके करते हैं। यहाँ पे दोस्तों आपको सिंपली कंटिन्यू करना है और इसके बाद आपको यहाँ पे एक्सप्रेस जो फर्स्ट वाला है उसमें क्लिक करके इसको नेक्स्ट करना है। यहाँ पे दोस्तों हम इसको टिक कर देते हैं और इसको फिर नेक्स्ट करते हैं। प्रिपेयरिंग फॉर इंस्टॉलेशन, यहाँ पे थोड़ा दोस्तों टाइम लग सकता है, अगर आपका इंटरनेट फास्ट है तो ये जल्दी भी हो सकता है। मेरा यहाँ पे दोस्तों थोड़ा नेट स्लो चल रहा है, इसलिए दोस्तों मैं आपको यहाँ पे वीडियो को थोड़ा स्किप करके दिखाऊंगा ताकि आपका टाइम यहाँ पे वेस्ट ना हो। दोस्तों ये लगभग इंस्टॉल हो चुका है। इसके बाद दोस्तों हमें जाना है प्रीमियर प्रो में और हमें एक न्यू प्रोजेक्ट लेना है। अगर दोस्तों आपका कोई पुराना प्रोजेक्ट क्रिएट था और उसमें ये प्रॉब्लम आ रही थी, उसमें तो दोस्तों ये सही नहीं हो सकता क्योंकि हमने उसमें गलत GPU ले रखा था। हम यहाँ पे दोस्तों एक बार न्यू प्रोजेक्ट में क्रिएट करके, यहाँ पे दोस्तों हमें RAM में एक बात ध्यान रखना है, जो अभी अपने हमने सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया था वो वाला कूडा यहाँ पे हमें लेना है और यहाँ पे ओके कर देना है। यहाँ पे दोस्तों जस्ट आपको दिखाने के लिए एक वीडियो मैं ले लेता हूँ और उसमें वही दोस्तों मैं इफ़ेक्ट डालूँगा जो मैंने पहले वाले में डाला था मिरर वाला, क्योंकि दोस्तों उसमें हमारा GPU सिलेक्ट नहीं था इसलिए प्रॉब्लम आ रही थी। इसमें एक बार डाल के देखते हैं और इसको थोड़ा सा आगे करते हैं। अभी तक तो दोस्तों वो इरर दिखाई नहीं दिया। यहाँ पे दोस्तों इसको हम बढ़ा के देखते हैं कैसा इफ़ेक्ट यहाँ पे आ रहा है। दोस्तों इफ़ेक्ट ने काम करना शुरू कर दिया है। तो दोस्तों आपको यहाँ पे पता चल गया कि आप कैसे इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसको लाइक करें और दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना प्लीज़ ना भूलें। प्लीज़ सब्सक्राइब दोस्तों।